पीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई द्वारा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष देवेंद्र खोड़संगे की उपस्थिति में पूर्व एनएसयूआई नगर अध्यक्ष हरिओम सिसोदिया के नेतृत्व में एबीवीपी का पुतला जलाया गया। जानकारी देते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान में नाबालिग दलित बालिका के साथ गैंगरेप करने वाले एबीवीपी के तीनों कार्यकर्ताओं को फांसी देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन किया गया। ठाकुर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप को छात्र हितैषी संगठन कहता है और उनके कार्यों को देखा जाए तो छात्राओं के साथ छात्र हितैषी कार्य करने की जगह पर गैंगरेप जैसी अप्रिय घटना को अंजाम दे रहे हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि तीनों छात्रों को फांसी दी जाए और ऐसे छात्र संगठन को बर्खास्त किया जाए। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जोधपुर में छात्राओं के साथ रेप किया गया है, उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला जलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप को छात्र हितैषी संगठन कहता है और वो संगठन जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहता है, ऐसे संगठन को शर्म आनी चाहिए कि उनके संगठन के लोग छात्राओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। ऐसे संगठन को बर्खास्त करना चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं, नहीं तो इससे बड़े आंदोलन होंगे आने वाले समय में। सीओसीएमएसटीवी के लिए राहुल मालवी।